नमस्कार, आप जो राजो न्यूज 18 गुजराती ने हूँ लुबना खान जो तमाम मोटा और महत्वपूर्ण समाचार समाचार सुपरफास्ट में। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमदावाद की सिविल होस्पिटल की लीधी मुलाकात। पीएमए 1275 करोड़ विकास कामों लोकार्पण करू। कहू मेडिसिटी में गुजरात लोग ने सारी सुविधा और सारवार मिलशे। मेडिकल टूरिज्म क्षेत्र थशे वृद्धि। अमदावादथी पीएम मोदी नो कांग्रेस पर प्रहार। कहू 25 वर्ष पहला वीजड़ी पाणी आरोग्य अने वोट बैंक की बीमारियों हती। भ्रष्टाचार पर कातर मारी मैं सर्जरी करी। पीएम मोदीए राजकोटना जामकंडोणा में भव्य रोड शो योजियो। सीएम भूपेन्द्र पटेल साथे पीएमए चालीने लोको साथे हाथ मिलावी अभिवादन झीलू। सभा में भाजपा सभ्योए पीएम ने चांदी नो रथ हळ शाल अने पांच कमळ आपीने स्वागत कर्युं। सभा में भाजपा सभ्योए पीएम ने पागड़ी पहेरावी शाल उड़ाड़ी अशोक स्तंभ साथेनुं स्मृति चिन्ह कर्युं अर्पण। गांधीजी सरदारनी प्रतिमा सहित गाड़ू अने गामडाना प्रतिकृति आपी पीएम ने आवकार्या। श्रीनाथजी बाबानी छवि साथे पीएम ने आवकार आप्यो। पीएमए सभा में जयप्रकाश नारायण अने नानाजी देशमुखनी जन्म जयंती पर तेमने याद कर्या। विरोधियों पर पीएम मोदीए भ्रष्टाचार मुद्दे प्रहार कर्या। लोकोना नादथी पीएमए कह्यु काठियावाड़े रंग राख्यो। वडीलों आशीर्वाद मळता विकास शक्य बन्यानी पीएमए करी बात। जामकंडोरणा में डबल एंजीन सरकार ना डबल प्रहार। नाम लीधा विना कांग्रेस अने आप पर कर्या प्रहार। कह्यु जे लोको ने गुजराते नकारी दीधा छे ते जोर लगावे छे। खाटला बैठको करीने लोकोने भोळवानुं करे छे काम। पहला राज्य में लोहीनी नदियों अने हुलड़ोनुं राज हतुं अने आजे विश्व पर गुजरात डंको वागी रह्यो छे। विपक्ष पर प्रहार करता कह्यु पीएमए दुनियाभरना लोको गुजरातनी मुलाकात लेशे। खाली कांग्रेस मुलाकात करवानी बाकी। पाणी वाहन व्यवहार अने शिक्षण व्यवस्था में बदलावनी पीएमए करी बात। पीएमए मातृभाषा में भणतर पर भार मूक्यो। गुजरातना विकसता उद्योगों ने नवो वेग मळ्यो। 20 वर्षनी मेहनतने कारणे आ बधुं शक्य बन्युं। समुद्र किनारा ने जागतो करी बंदरों ने समृद्धिना प्रवेश द्वार बनाव्यानी पीएमए करी बात। आज गुजराते कृषि उत्पादन में 10% ग्रोथ करता पीएमए खेडूतों वखाण कर्या। पीएमए द्वारकाना मेगा डिमोलिशन की बात करी। सीएम की कामगीरी ने बिरदावी। पोताने 20 वर्ष सुधी बदनाम करवाना कांग्रेसे प्रयास कर्या होवाना पीएम मोदी ना प्रहार। कह्यु बाळक माटे उत्तम शिक्षण, युवाओं माटे उत्तम कमाई अने वडीलो माटे उत्तम दवाई ना सरकारे कर्या प्रयत्नो। पीएम मोदीए करसनदास बापू साथे करी मुलाकात। भेंसाण में परबधाम ना संत छे करसनदास बापू। पीएम नी करसनदास बापू साथे भावुक मुलाकात। गुजरात की दरियाई पट्टी पर गैरकायदे दबाण दूर करने राज्य सरकार की कामगिरी ने पीएमए वखाणी। साधु संतोए पण समुद्र तट किनारा पर सफाई अभियान की कामगिरी ने बिरदावी। आगामी 19 तारीखे राजकोट में पीएम मोदी रोड शो। एरपोर्ट की रेसकोर्स सुधी योजाशे भव्य रोड शो। 5400 करोड़ विकास कामों लोकार्पण तथा खातमुहूर्त करशे। राजकोट एरपोर्ट पर पीएम मोदीए कर्यु टूंकू रोकाण। राजकोटना स्थानिक नेताओं साथे पीएमए करी चर्चा। पीएम राजकोट एरपोर्ट पर 35 मिनिट रोकाया। कश्यप शुक्ला नितिन भारद्वाज परिवार साथे मुलाकात करी। पीएम ना रोकाण ने लईने एरपोर्ट पर जोवा मळ्यो बंदोबस्त। मुलाकात अंगे कश्यप शुक्लाए आपी माहिती। कह्यु बे वर्ष पहला पुत्रीना लग्नमां आप्यो हतुं आमंत्रण। मुलाकात न थई होवाथी आजे मळवा बोलाव्या। पीएमए कश्यप शुक्लानी पुत्री साथे पण मुलाकात करी। नितिन भारद्वाजे पण मुलाकातने पारिवारिक गणावी। पाटणमां स्थानिक उम्मेदवारनी टिकिटनी मांग साथे अल्पेश ठाकोरनो विरोध। राधनपुरमां स्थानिक उम्मेदवारनी मांग साथे सम्मेलन योजायुं। अल्पेश ठाकोर सामे ठाकोर समाजनो विरोध। सुरेश ठाकोरे कर्या अल्पेश ठाकोर पर प्रहार। कह्यु अल्पेश ठाकोर अने ठाकोर समाज ने पतावानुं मशीन। भाजप अमने टिकिट आपे नहींतर अमे लड़ी लईशुं। पूर्व धारासभ्य नागरजी ठाकोरे पण कर्या प्रहार। आम आदमी पार्टीना सहप्रभारी राघव चड्ढाए अमरेलीनी मुलाकात लीधी। विविध मुद्दे सरकार पर कर्या आकरा प्रहार। शिक्षण, पाणी, रस्ता अने बेरोजगारी मुद्दे कर्या सवाल। अमरेली साथे अन्याय थयो होवानो आक्षेप कर्यो। वांसदाना धारासभ्य अनंत पटेल पर हुमलानो मामलो। सूरतमां कांग्रेसना कार्यकरोए गांधी प्रतिमा चौक पासे
उपवास आंदोलन कर्युं शुरू। 36 कलाक चालनारा आंदोलन में कांग्रेस प्रमुख सहित होद्देदारों जोड़ाशे। कांग्रेस कार्यकरोए पोलिस पर कर्या आक्षेपो। गुजरात युवक कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा सोमनाथ थी पोरबंदर पहुंची। यात्रा में रामकृष्ण ओझा, पूर्व प्रदेश प्रमुख अर्जुन मोढवाड़िया सहित कांग्रेस धारासभ्य जोड़ाया। चूंटणी पंचे गुजरात की मतदार याद जाहिर की। गुजरात 2022 विधानसभा की चूंटणी में कुल 4.90 करोड़ मतदारों, 9.62 लाख युवा मतदारों उमराया। अमदावाद में सौथी वधु 60 लाख मतदारों, नवी मतदार याद की कामगिरी कराई पूर्ण। राज्य खेडूतों में आज राहत समाचार। आज थी पाछोतरा वरसाद की शक्यता नहींवत। एक दिवस में केटलाक विस्तार में वादळछायुं वातावरण रहेशे। आज थी वधी शके छे गरमीनो पारो। राज्य में बेवड़ी ऋतुनो करवो पड़ी शके छे अनुभव। अमरेलीना राजूला तालुका में ग्रामीण पंथक में गाजवीज साथ वरसाद, वीजळीना कड़ाका अने पवन साथ वरसाद। राजूलाना बाबरिया, अमोली, अखेगढ़, वावेरा सहित आसपासना विस्तार में वरसाद। खेडूतों ने कपास, मगफळी सहित पाक ने नुकसान। सूरत में वरसादी माहौल यथावत। वरसाद ने कारण वातावरण में ठंडक प्रसरी। वरसादी वातावरण ने पगले वाहन चालकों ने हालाकी तो डांगर पाक ने नुकसान की भीति। डांग जिला में वरसादी माहौल यथावत। आहवा सहित अनेक स्थले गाजवीज साथ भारे वरसाद। कमोसमी वरसाद थी खेती में नुकसान की भीति। खेडूतों में छवाया चिंताना वादळों। डांगना सापुतारा में वातावरण अचानक पलटो आव्यो। धोधमार वरसाद वरस्यो। पाछोतरा वरसाद ने कारण डांगर, नागली और वराई जेवा पाकों में नुकसान की भीति। वातावरण में ठंडक प्रसरी। अरवली जिला में धुम्मस भर्यु वातावरण सर्जायु। रस्ता पर विजिबिलिटी घटता वाहन चालकों ने वाहन चलाव में भारी मुश्किल पड़ी। धुम्मस ने कारण खेतीवाड़ी ने नुकसान थवानी शक्यता। बोटाद जिला में कपास में सुकारो आता खेडूतों ने मुश्किल। 25 से 30 हजार नुकसान अंदाज। खेडूतों करी सहाय की मांग। खेतीवाड़ी अधिकारी कहू वादळछायु वातावरण आगोतरा सुकारा जवाबदार हो सके। उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायमसिंह यादव पंचमहाभूत में विलीन। सैफई में राजकीय सम्मान साथ कराया अंतिम संस्कार। नेताजी ने अंतिम विदाय आपवा मोटी संख्या में उमटिया लोग। नेताजी अमर रहेना नारा लाग्या। राष्ट्रीय सम्माननी साथे तिरंगा में लवायो पार्थिव देह। पुत्र अखिलेश यादवे पिता मुलायमसिंह यादव की चिता ने मुखाग्नि आपी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, यूपी नायब मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सीएम अशोक गहलोते श्रद्धांजलि आपी। तेलंगाना में सीएम केसीआर राव, चंद्रबाबू नायडू, जया बच्चन, अनिल अंबाणी, अभिषेक बच्चन सहित अनेक महानुभवों मुलायमसिंह ने आपी अंतिम विदाय। लाखों लोगों अंतिम दर्शन कर। 82 वर्ष नेताजी सोमवार निधन। अमदावाद में विदेश की जेम गगनचुंबी इमारतों जोवा मळशे। म्युनिसिपल कोर्पोरेशन की टाउन प्लानिंग कमिटी में निर्णय। सोला, बोड़कदेव तथा शीलज में 30 से 33 माळना बिल्डिंग थशे तैयार। अगाउ 2 इमारतों ने मळी हती मंजूरी। कच्छ में पाकिस्तानी बोट झड़पाई। हरामी नाळा बॉर्डर पर 2 पाकिस्तानी बोट झड़पाई। यासीन शेख, मोहम्मद शेख नामना 2 माछीमारों झड़पाया। समग्र विस्तार में बीएसएफे ऑपरेशन हाथ धर्यु। अमदावाद मनपानी टीपी कमिटी नो शहर ना मार्गो ना नामांकरण अंगे निर्णय। विशालनगर चार रस्ता ने गोगा महाराज चौक नाम अपायु। इसनपुर वार्ड में महाराणा प्रताप सोसायटी सुधी नो मार्ग वाड़ीनाथ मार्ग थी ओळखाशे। ओढ़व में मोमाईनगर अबारी वसाहत चार रस्ता ने ब्रह्मलीन बड़देव गिरीबापू चौक नामांकरण करायु। इंडिया कॉलोनी वोर्ड चार रस्ता नाम स्वर्गीय सागरभाई देसाई सर्कल अपायु। चूंटणी ने ध्यान में राखी नामांकरण करायु होवानी चर्चा। एमएस यूनिवर्सिटी में दारू की महफिल वायरल वीडियो मामलो। 10 विद्यार्थियों की ओळख कराई। हाल डिसिप्लिनरी कमिटी की रचना करवामां आवी। कमिटी करशे आगळनी कार्यवाही। सोमवारे वायरल थयेला वीडियो में विद्यार्थियों दारू और नॉनवेज की पार्टी करता कैमरा में थया कैद। 8 विद्यार्थियों भेगा मळीने पार्टी करता मच्छो खड़बड़ाट। जो कि न्यूज 18 गुजराती आ वीडियो की नहीं करतु पुष्टि। मोरबी नगरपालिका द्वारा 85 रोड पर डिमोलिशन हाथ धरायु। 7 माळनी बिल्डिंग ने पाड़वामां आवी होय तेवो प्रथम किस्सो। हाईकोर्टना आदेश बाद नगरपालिका की मोटी कार्यवाही। बिल्डिंग की बाजू में मकान धरावता भावेश कुंडारियाए करी हाईकोर्ट में पिटीशन।
મોરબીના ડેનિશ ગામી અને અન્ય ભાગીદાર વિરુદ્ધ કરાઈ હતી હાઈકોર્ટમાં અરજી. કાયદાને નેવે મૂકી બાંધકામ કરતા બિલ્ડરોમાં ભયનો માહોલ. કોડીનારમાં બરડા ગામના સરપંચ પર હુમલો. દબાણ હટાવી કમ્યુનિટી હોલ બનાવતી વેળાએ દબાણકારોએ કર્યો હુમલો. હુમલામાં સરપંચ ગંભીર રીતે ઘાયલ. ઇજાગ્રસ્ત સરપંચ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ. સુરેન્દ્રનગરમાં સરકારી પ્રાથમિક શાળાની પરીક્ષામાં છબરડો. ધોરણ 3ની પરીક્ષામાં થયો છબરડો. પેપરના ત્રણેય પાના પર એક સરખા પ્રશ્નો છપાઈને આવ્યા. વાલીઓ સહિત આગેવાનોએ શિક્ષણ અધિકારીની કચેરીએ કરી ઉગ્ર રજૂઆત. મહીસાગરમાં કડાણા આદિવાસી સમાજ આંદોલનના માર્ગે આદિવાસી પ્રમાણપત્રો બંધ કરી દેવાતા રોષ. કડાણાના જાંબુનાળામાં ભરાયું આદિવાસી સમાજનું સંમેલન. ભાજપ કોંગ્રેસ તેમજ સામાજિક નેતાઓ રહ્યા હાજર. 300થી વધુ યુવાનોએ પરીક્ષા પાસ કર્યા છતાંય નોકરીથી વંચિત. વારંવાર રજૂઆત છતાંય કોઈ નિરાકરણ ન આવતા આદિવાસી સમાજમાં આક્રોશ. બુધવારે મામલતદારથી લઈને કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપીને લડત ચાલુ કરાશે. મોરબી મણિ મંદિર પાસે બનાવેલી મસ્જિદના મુજાવરને નોટિસ આપવા છતાં દૂર ન કરાઈ. મસ્જિદ દૂર ન કરાતા લેન્ડ ગ્રેબિંગની નોંધાઈ ફરિયાદ. મુજાવરની અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી ધરપકડ. મોરબીમાં સલામતી અંગે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત. વડોદરાની બરોડા ડેરીમાં સભાસદોનો હોબાળો. પાદરાના કોટના ગામના સભાસદો બરોડા ડેરી પહોંચ્યા. બરોડા ડેરી પ્રમુખના તાલુકામાં દૂધ ઉત્પાદકોને અન્યાય. બરોડા ડેરીના પ્રમુખ દિનેશ પટેલ સામે આક્રોશ. સુરતના લાજપુરમાં 17 વર્ષીય તરુણીને લઈને વિધર્મી ફરાર. 4 સંતાનોનો પિતા હિન્દુ તરુણીને ભગાવી જતા લોકોમાં રોષ. લવજેહાદના પગલે પોલીસ થઈ એલર્ટ. વાતાવરણ બગડે નહીં તેની પર નજર. સચિન વિસ્તારમાં પુખ્ત વયનો પુરુષ સગીરાને ભગાડી જતા લોકોમાં ભારે રોષ. યુવતીના પરિવારે નોંધાવી ફરિયાદ. પોલીસે અલગ અલગ ટીમો બનાવીને તપાસ શરૂ કરી. ભાવનગરમાંથી ઝડપાયું નકલી નોટોનું કૌભાંડ. ભાવનગર એસઓજી પોલીસે કરી મોટી કાર્યવાહી. ભાડાના મકાનમાં ચલાવી રહ્યા હતા નકલી નોટોનો કારોબાર. કુલ 1.39 કરોડ રૂપિયાની નોટો કબજે. નાની ઉંમરે કરોડપતિ બનવા માટે 5 શખ્સો ચલાવતા હતા નકલી નોટોનું કૌભાંડ. આ ઇસમો 2000 દરની નકલી નોટ પ્રિન્ટિંગ મશીનમાં છાપી રહ્યા હતા. પકડાયેલા આરોપીઓ 2017 પણ નકલી નોટોનું કૌભાંડ ચલાવતા હતા. મોરબી હળવદ તાલુકાના રણમલપુર ગામના ઉપસરપંચને માર્યો માર. ઉપસરપંચે અપશબ્દ બોલવાની ના પાડતા યુવકે બંદૂક રાખીને કર્યો હુમલો. ધોકા અને પથ્થરોથી માર મારીને ઇજા પહોંચાડી. ઘટનાની જાણ થતાં પાટીદાર સમાજના આગેવાનો સરકારી હોસ્પિટલ દોડી આવ્યા. સુરતના લાલગેટમાં લાકડાના ફટકા મારી કરાઈ યુવકની હત્યા. પોલીસે સીસીટીવીના આધારે આરોપીની કરી ધરપકડ. ભિક્ષુઓને અપાયેલ ભોજનને લઈને થયો હતો ઝઘડો. સુરતમાં 48 કલાકમાં હત્યાની ત્રીજી ઘટના. ચોકબજારમાં ગુડ્ડુ નામના પરપ્રાંતે યુવકની 2 લોકોએ કરી હત્યા. ચોકબજાર પોલીસે હત્યારાઓની શરૂ કરી તપાસ. સુરતના બારડોલી રામજી મંદિરમાં મારામારી. ભાઈએ જ માર્યો ભાઈઓને ચપ્પુના ઘા. બંને ઇજાગ્રસ્ત યુવાનોને હોસ્પિટલ ખસેડાયા. બંને યુવાનોની હાલત ગંભીર. ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ. સુરતના આછવા વિસ્તારમાં 2 દિવસ પહેલા હુમલાની ઘટના બની. હુમલામાં એક યુવકનું મોત જ્યારે અન્ય યુવક સારવાર હેઠળ. જાહેરમાં થયેલા હુમલાની ઘટનામાં પ્રેમ સંબંધ કારણભૂત. પોલીસે કરી 2 યુવકોની ધરપકડ. છોટાઉદેપુરમાં શ્રદ્ધા અને અંધશ્રદ્ધાને લઈને વિવાદ. પુરૂષ વ્યક્તિને માતાજી આવતા ગામ લોકોનો વિરોધ. ધૂણતા વ્યક્તિનો વિડીયો વાયરલ. વિરોધ કરતા લોકોએ મંગળવારે આપ્યું હતું આવેદનપત્ર. બોટાદમાં પાળિયાદના પીપળીયા ગામે પિકઅપ ગાડી પલટી ગઈ. ગાડી પલટી મારતા દારૂની હેરાફેરીની ખુલ્લી પોલ. મોટી સંખ્યામાં દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો. પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી. રાજકોટમાં જિલેટીનની ચોરી કરનાર 3 આરોપી ઝડપાયા. આરોપીઓ પાસેથી 7 પેટી એક્સપ્લોઝિવ, 250 બ્લાસ્ટિંગ કેપ સહિતની વસ્તુઓ મળી આવી. રાજકોટમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને અમદાવાદ એટીએસની ટીમે જિલેટીનની ચોરીનો ભેદ ઉકેલ્યો. આરોપીઓ જે કંપનીમાં બ્લાસ્ટિંગનો કોન્ટ્રાક્ટ રાખતા ત્યાં ચોરી કરી હોવાની વિગતો સામે આવી. અમદાવાદમાં રાજવેરા અધિકારીના કહેવાથી લાંચ લેતા 2 શખ્સ ઝડપાયા. જીએસટી નંબર બ્લોક થઈ જતા ચાલુ કરવા અંગે માંગી 35,000ની લાંચ. એસીબીએ 2 આરોપીની કરી ધરપકડ. રાજવેરા અધિકારી ગૌરાંગ લસૈયાની ધરપકડ. સુરતના વરાછામાં કાપડના વેપારી નુકસાન થતા ભાઈની ઓફિસની નકલી ચાવી બનાવી કરી ચોરી.
हीरानी ऑफिस में 24 लाख ना हीरानी करी चोरी। सीसीटीवी में चेहरो छुपावा माटे छत्री नो करी उपयोग। हाल में पुलिस आरोपी ने करी धरपकड़। मेहसणा ना आंबलियासन गाम में मोबाइल की दुकान में चोरी थी। रात्र 2:30 कलाके दुकान में घुसया था तस्करों। चोरी ना सीसीटीवी फूटेज आधार पुलिस तपास कर कार्रवाई हाथ धरी। सुरेन्द्रनगर धोड़ीधजो डेम पास खमीसाणा मुख्य नर्मदा केनाल में आधे डूबता शोधखोल। व्याजखोरों त्रास की केनाल में झंपलावी होवानी आशंका। वेलकम बैक। नजर करिए समाचार सुपरफास्ट पर। जूनागढ़ में 16 ऑक्टोबर थी गीर अभयारण्य खुलशे। चौमासा 4 महीना बाद प्रवासी खुला में सिंह जोई शकशे। 16 तारीखे प्रथम प्रवासी ने फूल आपी तथा मोढ़ू मीठू करावीने प्रवेश अपाशे। प्रथम दिवस नो ऑनलाइन बुकिंग फूल। फिल्म छेल्ला शो ना बाल कलाकार राहुल कोड़ी नु निधन। ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म हती छेल्लो शो। फिल्म रिलीज थाय ते पहला राहुल नु निधन। बाड़वे मृत्यु थता परिवार में शोक। गांधीनगर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पुस्तक पर परिसंवाद। मोदी एट 20 ड्रीम्स मिड डिलीवरी। पुस्तक पर परिसंवाद। केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री सुभाष सरकरा रहा उपस्थित। 36वीं नेशनल गेम्स में महिला टीम की फूटबॉल मैच योजाई। ओडिशा तथा मणिपुर वच्चे की मैच में मणिपुर की टीम नो विजय। गृहमंत्री हर्ष संघवी रहा उपस्थित। विजेता टीमों ने मेडल आपीने सम्मानित कराया। 12 ऑक्टोबर नेशनल गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी। भाजप गुजरात गौरव यात्रा बुधवार से शुभारंभ। भाजप केन्द्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारका थी करावशे प्रस्थान। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल पण उपस्थित रहेशे। जस्टिस डीवाय चंद्रचूड देशना 50मा चीफ जस्टिस बनशे। हालना सीजीआई यूयू ललिते पोताना वारसदार तरीके जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ना नामनी केन्द्र सरकार ने भलामण करी। यूयू ललितनो कार्यकाळ 8 नवेम्बरे पूर्ण थाय छे। 9 नवेम्बरे जस्टिस डीवाय चंद्रचूड 2 वर्ष माटे देशना आगामी चीफ जस्टिस बनशे। केन्द्र ने पत्र मोकलता पहला चीफ जस्टिस यूयू ललिते सुप्रीम कोर्टना तमाम जज साथे बैठक करी। परंपरा मुजब देशना वर्तमान सीजीआई सरकार ने पोताना वारसदारनी भलामण करे छे। यूपी थी लईने बिहार और उत्तराखंड सुधी वरसाद और पूर कहर यथावत। कानपुर बलरामपुर भागलपुर में डजनेक गामों पानी में डूबी गया। उत्तराखंड बाजपुर में लेबड़ा नदी ओवरफ्लो। उत्तराखंड चंपावत जिला में सतत 4 दिवस वरसत वरसाद बंद थो। वरसद टनकपुर पिथोरागढ़ हाईवे पर जवा मिली असर। टनकपुर चंपावत हाईवे ने नाना वाहनों माटे खुल्लो मुकाय। राजस्थान अलवर जिला में सतत वरसाद। वरसाद ने पगले पाक ने नुकसान। पशुओं चारो पानी में बर्बाद। डूंगी बाजरा सहित पाक ने नुकसान। खेडूत थे परेशान। तो बुलेटिन में हाल बस आटलू। तमाम महत्वपूर्ण समाचार माटे आप जोता रहो न्यूज 18 गुजराती। नमस्कार।